देश के जवानों को सलाम। दुश्मन के इलाके में घुसकर आतंक फैलाने वाले 350 से ज्यादा आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने वाली सेना, खासतौर पर एयरफोर्स के कारनामे के बाद पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाने वाली सेना के जज्बे को सलाम। इसी उद्देश्य को लेकर रीवा दर्शन ने शहर के वेंकट भवन के सामने सेना को सलाम नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया। तो आइए आपको लेकर चलते हैं रीवा के वेंकट भवन, जहां पर हमारे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ जावेद अंसारी। पिछले दिनों देश में जो भी हुआ उसका असर तमाम दुनिया में पड़ने की भी संभावना दिखाई दे रही है। आज हम पड़ोसी देश से युद्ध के कगार पर खड़े हैं। पड़ोसी देश ने जो ऐसी घटना की थी, जिसका हमने एक ऐसा जवाब दिया है जिसको पूरे देश का इंतजार था। रीवा दर्शन के लिए मैं जावेद अंसारी, आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। रीवा शहर के तमाम जिम्मेदार लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम जानेंगे देश में जो भी चल रहा है उस पर आगे क्या होना चाहिए। हम सीधे बात करते हैं, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता योगेन जी हैं, मैं सीधे उनके पास चलता हूं और पहली प्रतिक्रिया उन्हीं से लेता हूं। क्या लग रहा है आपको देश में जो वर्तमान हालात हैं, तो क्या लग रहा है आपको? खुशियों का दिन आया है, पूरा देश आज गर्व है। कल से पूरे देश में खुशी का वातावरण है, चारों तरफ उमंग है। देश का नेतृत्व हमें ऐसा मिला है नरेंद्र मोदी जी के रूप में, जिन्होंने दिखा दिया है कि भारत जो कहता है उससे आगे जाकर करता है, और पाकिस्तान के 80 किलोमीटर अंदर घुसकर जिस हिम्मत और जज्बा के साथ भारतीय सेना ने आतंकवादियों के कैंप को ध्वस्त किया है, उससे पूरा देश गौरवान्वित है। हम सब बहुत पूरा देश गौरवान्वित है। बालाकोट में भारतीय वायुसेना ने जो कारनामा करके दिखाया, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है। 1971 के बाद इस तरीके का हमने अपना प्रदर्शन दिखाया है, हमने अपनी ताकत दिखाई, हमने ये साबित किया हम अहिंसावादी देश के लोग हैं। अगर हमारे साथ कोई गलत व्यवहार होगा तो हम उसका भी बदला लेने में नहीं हिचकिचाएंगे। क्या कहेंगे आप? सशस्त्र सेनाओं के इस अदम्य साहस को सलाम है, और इतिहास गवाह है भारत में ये पहली बार नहीं हुआ है। 1948 में हमारी सेनाओं ने जवाब दिया, 1965 में हमारी सेनाओं ने जवाब दिया, 1971 में हमारी सेनाओं ने जवाब दिया, और मैं कहना चाहता हूँ भारत के लोगों को और भारत की जनता के साहस को कमजोरी मत समझिए। जब भी आप हद को पार करेंगे हम घर में घुसकर मारेंगे, ये उसी का परिणाम है। आप हद को पार करेंगे तो हम घर में घुस के आपको मारेंगे। देखिए, अभी जो बीजेपी प्रवक्ता जी का जो स्टेटमेंट आया, मैं उसको सारे सिरे से खारिज करता हूं। देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय हजारों सेना के जवान मारे गए, तब नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे थे, कहां गए थे? देश की रक्षा करने वाले, देश को झुकने नहीं देंगे, बिकने नहीं देंगे, कहां चले गए थे नरेंद्र मोदी? आज चुनाव के समय बहादुरी बता रहे हैं। हम सेना को सलाम करते हैं, जो हमारे जाबाज सेना के जवानों ने जो बदला लेने का काम किया है उनको हम सलाम करते हैं। लेकिन सरकार ने देरी कर दी है उन्हें खुली छूट देने में, और सरकार एक बहुत बड़ी गलती कर रही है जो मीडिया को अपने अड्डे बता करके पूरे देश में बता रही कि जबलपुर से गोला गया, ग्वालियर से विमान गया। चलिए, लंबी बात है, इस पर निश्चित रूप से हम बात करेंगे। हम, जैसा कि आपने हमसे कहा अभी, हम देश के सैनिकों को सलाम करते हैं। निसंदेह हमारे 40 जवान जो शहीद हुए, उनकी इबादत और प्रार्थना में पूरा देश खड़ा है उन्हें सलाम करने के लिए, और उनके जज्बे को हम सब समझते हैं। भारतीय सेना को बहुत देरी से खुली छूट मिली। भारतीय राजनीतिक रूप से जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इस बात का निर्णय लेने में इतनी देरी कर दी कि, लेकिन उसके बावजूद भारतीय सेना ने इस बात को दिखा दिया कि बिना कोई आँच आए उन्होंने जा करके 350 बालकोट में उन अपराधियों को, उन आतंकवादियों को नेस्तानाबूद करने का काम किया है। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है, अभी बहुत सारे ऐसे आतंकवादी अभी लंबी प्रक्रिया होगी, अभी बहुत सारे आतंकवादी को भी मारना है। अभी जिस प्रकार से हमला हुआ है, आतंकवादियों को नष्ट किया गया है,
जिस प्रकार अमेरिका ने घुस के एबटाबाद में बिन लादेन को मारा था, उसी प्रकार की कार्रवाई हम सभी भारतवासी चाहते हैं और ज़रूर होगा। अभी अभी बयान भी आया है जेटली जी का, लादेन को जिस तरीके से मारा गया था हम उस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं। बिल्कुल कार्रवाई सही है कि लादेन को जिस तरह से मारा गया है, उसी तरह के पाकिस्तान जो हमारे ऊपर इस तरह का व्यवहार रखा है उसको भी इसी तरह से मारा जाए तो हमारे जवानों की जो शहीदी का क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से आतंकवाद पूरे देश, अपने भारत देश नहीं पूरे विश्व की समस्या है और आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करना सबका कर्तव्य है। और निश्चित रूप से जो भारत ने कार्रवाई की बहुत प्रभावी कार्रवाई है और भी आगे इसी तरह कार्रवाई करें, देश उनके साथ है। मैं जो पुलवामा में जो 40 सैनिक मारे गए हैं उनके लाने मैं नमन करता हूं और मुझे दुख है इस बात का कि निर्दोष व्यक्तियों की जो हत्या की गई है ये एक बहुत दुखद है। और मोदी जी ने जो स्टेप उचाया है और जो यहां के सैनिक को छूट देके और उन्होंने जो भी अभी सर्जिकल स्ट्राइक उन्होंने किया है और घुस के उन्होंने 300 लोगों को मारा है, ये बधाई के पात्र। निश्चित रूप से मोदी जी के भारतीय सरकार गवर्नमेंट के इस फैसले का, भारतीय सैनिकों के जज्बे को पूरा हिंदुस्तान सलाम कर रहा है। हमारे साथ जो तमाम लोग हैं, हम पहले एक छोटी प्रतिक्रिया ले लेंगे, उसके बाद हम इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। क्या कहेंगे आप, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हमारी प्रतिक्रिया ये है कि आज जो है भारत ने जो बदला लिया है उससे पूरे भारतवासियों का सर गर्व से ऊंचा हो गया है और भारत जो है आतंकवाद के खिलाफ में पूरे विश्व में नेतृत्व करेगा और भारत में ही नहीं पूरे विश्व में आतंकवाद को समाप्त करने के लिए अहम भूमिका निभाएगा। मैं अपने भारतीय सैनिकों को सलाम करती हूं और यही कहूंगी कि आप हमेशा आगे बढ़ते रहें और आतंकवादियों को ख़त्म करते रहें। भारतीय सैनिकों ने ये जो कदम उठाया है ये एक सराहनीय कदम है और आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए चाहे वो देश के अंदर हो या देश के बाहर हो पूरी ताकत से काम करना चाहिए। मैं जय हिंद की सेना को सलाम करता हूँ और ये कार्रवाई पहले हो जाती तो हमारे 40 सैनिक हताहत ना होते। ये कार्रवाई पहले हो जाती तो हमारे सैनिक हताहत नहीं होते। संक्षेप में क्या कहना चाहते हैं आप? सैनिकों का आत्मबल देश को आगे बढ़ाएगा। हमारा भारतवर्ष दुनिया में सबसे ऊंचा है, ऊंचा रहेगा। अगर हमारे एक सैनिक मारेंगे तो हम 1000 मारेंगे घर भी घुस के। भारतीय सेना को सलूट करते हैं तथा नरेंद्र मोदी जी को बधाई का पात्र समझते हैं इसलिए कि उन्होंने सेना को खुली छूट दे रखी थी। ईंट का जवाब पत्थर से दिया, भारतीय वायुसेना को सलाम। और ये पहली घटना नहीं, इंदिरा जी के समय में भी बहादुरी से लड़ा गया था। पहली बात तो मोदी जी को सलाम, उन्हें बधाई। उसी कड़ी में उससे ज़्यादा अपनी सेना को सलाम, उसको बधाई। इसके अलावा इस बधाई के मेरे दिमाग के शब्दकोशों में शब्द की कमी, जिससे मैं इसके लिए बधाई यहीं से मानिस को विराम। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले उन अमर शहीदों को कोट कोट सा धन्यवाद देना चाहता हूँ जो 40 लोगों ने अपनी जीवन को कुर्बान किया है। और यहाँ के खुफिया तंत्र को मैं सबसे ज़्यादा धिक्कारता हूँ कि खुफिया तंत्र को पता नहीं चला, इस भारत सरकार को पता नहीं चला कि वो दो कुंटल विस्फोटक सामग्री ले जा करके और वहाँ पर एक्सीडेंट करके और मतलब विस्फोट कर देता है और 40 लोगों को हमारे शहीद कर देता है, सैनिकों को। आज जो ये बातें आ रही हैं कि हमको खुशी है पूरे देश में, काहे की खुशी है, उनसे जाकर के पता करिए, जो शहीद हुए हैं उनके माता और पिता और पत्नी से पूछिए कि उनको कौन सी खुशी जाहिर हो रही है। इस आतंकवाद को पैदा करने वाला कौन है? हमारी खुफिया तंत्र और हमारी सरकार आतंकवाद को पनाह दे रही है और इसके बाद ये वाहवाही लूटने के लिए ये काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से पुलवामा में हमारे जो भी शहीद मारे गए, निश्चित रूप से वो काफ़ी दुखदाई है, उसको हम नहीं भूल सकते। अभी जो बालकोट में हमारे वीर सैनिकों ने अपना कमाल दिखाया है वो घाव में मरहम लगाने का काम करेगा। ये हमको और पूरे देश को ऐसा महसूस हो रहा है, शायद इसीलिए हम आज थोड़ा सा अपनी सेना का उत्साह बढ़ाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। अत्यंत दुखद पहलू है कि यहाँ पर उपस्थित कुछ
राजनीतिक लोग चश्मे से इस राष्ट्रीय गर्व के विषय को देख रहे हैं और ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि भारत की सेना, भारत की सरकार आतंकवादियों को संरक्षित दे रही है। कैसी हमारी सोच हो गई है? आज जब पूरा देश गौरवान्वित है, पूरे देश में युवाओं में जोश भरा हुआ है, तो हम राजनीतिक चश्मे से इस घटना को निश्चित रूप से, आज की हमारी डिबेट किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर नहीं है। हमारी डिबेट में कोई भी राजनीतिक पार्टियाँ नहीं हैं। हमारी डिबेट में केवल और केवल वीर सैनिकों के जज्बे के सलाम को के लिए ये डिबेट है। मैं अपने तमाम साथियों से एक बार फिर से अनुरोध करता हूँ कि आज राजनीति की बात न करके केवल और केवल अपने वीर सैनिकों के जज्बे की बात की जाए। हम राजनीति की बात करने के लिए हमारे पास तमाम दिन तमाम समय मौजूद हैं। आज देश में एक उत्साह का माहौल है, उस उत्साह के माहौल को बढ़ाए रखने के लिए, अपने जज्बे को सलाम करने के लिए हम लगातार बात करें। हम तमाम लोगों से अनुरोध करेंगे कि वो केवल राजनीति की बात ना करके वीर सैनिकों की ही बात करें। निसंदेह इसमें कोई शक नहीं है और देश की सेना को तो हम लगातार सलाम कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि हमारे साथियों ने कहा कि आप ये समझ सकते हैं RDX आया कहाँ, सबसे पहली बात ये। दूसरी बात, जब CRPF के जवानों ने इस बात की मांग की कि यहाँ रोड में उन्हें खतरा है और उन्हें हेलीकॉप्टर से आने जाने का मार्ग प्रशस्त किया जाए, तब भारतीय होम मिनिस्ट्री ने उन्हें इस बात के लिए मना किया। आखिर 40 शहीद। निश्चित रूप से सुबोध जी, आपका कहना सही है, हम इस पर एक गंभीर डिबेट करेंगे। ये बहुत गंभीर मसला है। अभी आज बॉर्डर पर स्थिति काफ़ी नाजुक है। आप तो हमें ये बताइए कि हमारे सैनिकों को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उनका उत्साह बढ़ा रहे और अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे सके। देश की आन बान और शान के लिए हमारे शहीद सैनिक शहीद हो रहे हैं, हम उनके साथ पूरी तरह से हैं। हम अपना खून भी देने के लिए तैयार हैं और भारतीय प्रधानमंत्री और भारतीय सेना इस समय जैसा आदेश करेगी, देश का हर नागरिक और हम भी साथ में हैं। जहां खून की जरूरत पड़ेगी, हम अपना खून देने के लिए तैयार हैं। निश्चित रूप से एक ऐसा जज्बा जिसको सुनकर सबको जोश आएगा और उसी तारतम्य में जोश और उत्साह की ही बातें यहाँ पर की जाएंगी। पुलवामा के हमारे 40 सैनिक जो शहादत उनकी हुई थी, उसके बाद लगातार POK का दबाव भारत पे चलता रहा। प्रधानमंत्री जी ने सभी को बुला करके राय मशवरे करके और उन्होंने ये कार्य किया है, जो 40 के बदले उन्होंने 400 लोगों की पूरी उनकी खात्मा कर दिया है। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। हम तो ये बताना चाहते हैं कि इस तरह की घटना कई बार हो चुकी है और हमारे जब इंदिरा जी थी प्रधानमंत्री थी उस समय देश की, उस समय 71 में भी निश्चित रूप से इस तरीके की घटना कई बार हो गई और हर बार, मैं आपका कहने का मतलब समझ रहा हूँ, हर बार हमारे सैनिकों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। देखिए, मेरा तो सरकार के मुखिया से निवेदन है कि जो हमारे जहाँ पर हमारे देश का गोला बारूद और अस्त्र शस्त्र रखे हैं, उनकी गोपनीयता बनाए, उनका प्रकाशन न करें, अपने अड्डे न बताएं। और दूसरी बात, नेता कोई भी स्टेटमेंट देने से, जो सरकार में बैठे हैं वो शांति बनाए रखें, जो भी स्टेटमेंट देना होगा वो सेना के मुखिया देंगे, इस पर भी जो है उनको सोचना चाहिए। निश्चित रूप से जो भी स्टेटमेंट देना होगा सेना के मुखिया देंगे, सेना ही इस पूरे मुहिम को चला रही है और निश्चित रूप से सेना में इस समय अदम्य साहस शौर्य का परिचय दे रही है। देश गर्व महसूस कर रहा है, ईद और दीपावली का माहौल है, चारों तरफ भारत माता की जयकारे लग रहे हैं। पहली बार ऐसा लग रहा कि अब आतंकवाद का समूल नाश होगा, यही हम कहना चाहेंगे। देश में होली और दिवाली इकट्ठा मनाई जा रही है, ऐसा चारों तरफ माहौल है, आप इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल, सेना ने जो काम किया है हमने विश्व को दिखा दिया है। मैं कहना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी को, आपका काम सराहनीय है पर अपने बात पर कायम रखिए। अब आप 370 की धारा को समाप्त करिए और जिस विश्व को दिखा दीजिए कि आपका 56 इंच का सीना है, अब इसको सामने लाइए और 370 को समाप्त करिए। निश्चित रूप से कुंवर बहादुर जी, वो दिन भी आएगा जब धारा 370 हटाई जाएगी। अभी इस समय जो भी
जिस तरीके की स्थितियां हैं अभी उससे हमारी सेना निपट रही है। हम इस डिबेट को आगे भी बढ़ाएंगे। वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। महिलाओं लड़कियों के लिए खुशखबरी है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित कौशल्या योजना के अंतर्गत मुफ्त में शहर के सबसे बड़े ब्यूटी पार्लर से पार्लर का कोर्स करके अपने घर पर स्वयं का व्यापार संचालित करने का सुनहरा मौका, स्वावलंबी बनने का सुनहरा अवसर। आज ही संपर्क करें फ्रेश लुक ब्यूटी एकेडमी। पता याद रखें, गुलफाम कॉम्प्लेक्स, यूनियन बैंक, सिंडिकेट बैंक के सामने, आकरी टाकीज मोड़ के पास, रीवा। हमारा फोन नंबर 9993471930 एवं दूसरा नंबर 9685301655। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपको बता दूं, भारतीय सेना ने जो अदम्य साहस का परिचय देते हुए बालकोट में घुसकर दुश्मन के सबसे बड़े ठिकाने को तबाह किया है, वो वाकई काबिले तारीफ है। हमारे साथ रीवा शहर के तमाम लोग मौजूद हैं। आज बॉर्डर पर स्थित काफ़ी तनावपूर्ण है, दोनों तरफ के एक एक विमान को गिरा दिया गया है, ऐसी अभी खबरें आ रही हैं। टीवी चैनलों पर लगातार खबरें आ रही हैं। आज हम बात कर रहे हैं अपने सैनिकों के अदम्य साहस की। हमारे सैनिकों ने जो साहस का परिचय देते हुए एक अनूठा कारनामा दिखाया, उनने बताया है कि हम कुछ भी कर सकते हैं अगर हमारे देश पर आंच आएगी तो। बहुत ही खुशी का दिन है। पाकिस्तान के नाद में घुसकर भारतीय सेना ने जो अदम्य साहस दिखाया है, 80 किलोमीटर अंदर जाकर और आतंकवाद के पनाहगार केंद्र को नष्ट किया है, बहुत ही सराहनीय पहल है, बहुत ही सराहनीय। भारतीय सेना को धन्यवाद। भारतीय सेना को धन्यवाद। निश्चय ही हम अपने सैनिकों को सलूट करते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनके अदम्य साहस को हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। ऐसा है कि जो वर्तमान जो परिस्थिति है वो पूरी तरह से सेना पे ही निर्भर है, क्योंकि यहाँ राजनीति की कोई बात नहीं है। सेना ने जब उनको जो वहाँ बॉर्डर पे लगते हैं उनको अभी भी सेना को जो सम्मान और जो सहूलियत और जो इज्जत मिलनी चाहिए वो देश में नहीं मिल रही उनको। सेना को वो सम्मान मिलना चाहिए, वो अभी भी नहीं मिल रहा है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, उनके परिजनों को भी एक उचित सम्मान मिलना चाहिए। क्या कहेंगे सैनिकों के लिए, आप क्या चाहते हैं, किस तरीके की उनको सुविधाएं और मुहैया कराई जाएं? पहली बात तो ये है कि सैनिकों को अभी तक शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है, केवल घोषणा भर की जाती है, तो उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। और साथ ही जितने शहीद होते हैं सैनिक उनका भी उसी तरह से स्मारक बनाया जाना चाहिए जिस तरह से अन्य महापुरुषों के स्मारक बनाए जाते हैं, और उनके परिवार की सुरक्षा व्यवस्था के लिए सारी सुविधाएं वो मिलनी चाहिए जो शहीद के जिंदा रहने पर मिलती थी। निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा सुझाव है। जैसा कि मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं, इस तरीके की कैजुअल्टी को फिजिकल कैजुअल्टी कहा जाता है, शहीद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता। निश्चित रूप में आपने एक गंभीर सवाल उठाया है और इस पर पूरा देश आज चाह रहा है कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। जी बताइए। मेरा तो ये कहना है कि सरकार जो है, सरकार पूरी तरह से जैसा कि अभी बहुत सारी बातें आई कि होली और दशहरे का त्यौहार जैसा लग रहा है, तो हम त्यौहार की बात नहीं करते हैं। ये 5 साल पहले हो जाना चाहिए, 10 साल पहले हो जाना चाहिए। सेना को स्वतंत्र खुली छूट 24 घंटे रहनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति पर यदि बॉर्डर में उसकी जिम्मेदारी आपने दे दी है तो तीनों सेना के प्रमुखों को, तीनों सेना की टीम को खुली छूट होनी चाहिए, सरकार का कोई भी दखल नहीं होना चाहिए। सेना को खुली छूट देनी चाहिए, सरकार का किसी भी तरीके से कोई भी दखल नहीं होना चाहिए। लगना चाहिए कि हाँ, हमने किसी तरीके की कोई कार्रवाई की। जिस तरह से शहीद हो रहे हैं भारतीय नौजवान,
मैं कहना चाहता हूं सरकार से, आप पैरामिलिट्री फोर्स को शहीद का दर्जा नहीं दे रहे हैं, जिसमें सीआरपी, बीएसएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीआईएसएफ और भारत तिब्बत सीमा पुलिस। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें भारतीय सेना में लोग भर्ती होते हैं अपनी जान तक देने के लिए, तो यदि आप सेना और पैरामिलिट्री फोर्स, सरदर सैनिक बल के बीच में इस तरह का अंतर रखेंगे तो कैसे चलेगा। मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप अर्धसैनिक बलों को भी शहीद का दर्जा दीजिए, उनमें भी पेंशन लागू करिए ताकि उनका मनोबल बढ़ सके और उनका परिवार भी अपने आप को सैनिक का परिवार महसूस कर सके। शहीद का दर्जा मिले, सरकार दे या ना दे, हर हिंदुस्तानी उनको शहीद मानता है और मानता रहेगा। निसंदेह मैं तो न केवल सैनिकों को जो जिन्हें भर्ती किया जाता है, देश का कोई भी नागरिक अपने देश की सुरक्षा के लिए यदि विदेशी से या आतंकवादी से लड़ता है और शहीद होता है तो उसे शहीद का दर्जा, वो तो देश की आत्मा में तो रचा बसा है ही है, लेकिन साथ ही जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो हर उस नागरिक को मिलनी चाहिए जो देश के लिए कुछ कर गुजरने की या कर गुजरता है। निश्चित रूप से आपने ठीक कहा, हम तो केवल उनको अपने मन से शहीद का दर्जा दे सकते हैं, लेकिन हम आम नागरिक उनको वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा सकते जो उनको वाकई में मिलनी चाहिए। ये हम लोग जो हैं ये चाहते हैं कि जो वहाँ जाके शहीद हुए हैं सबको, चाहे वो सीआरपी का हो, चाहे बीएसएफ का हो, चाहे मिलिट्री फोर्स का हो, सबको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि देश की सेवा करते हुए इस दुनिया से वो गए हैं और वो शहीद का दर्जा उनको मिल रहा है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल मिलना चाहिए शहीद का दर्जा, क्योंकि देश के अंदर जो सेना है, चाहे वो सीआरपीएफ का हो, चाहे बीएसएफ का हो, चाहे आईटीबीपी का हो, चाहे सेना का हो, आखिर लड़ाई तो वो भी लड़ रहा है, लड़ाई तमाम लोग लड़ रहे हैं जो देश के लिए लड़ रहे हैं, उनको सबको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं जो देश में इस समय हालात हैं उस पर आप किस नज़र से देखते हैं। देश बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता, अखंडता को गंभीर खतरा उत्पन्न हो चुका है। हमारा पड़ोसी और हमारा ही भाई हमारा दुश्मन बना हुआ है, और ऐसी स्थितियों में जब आतंकवाद, अलगाववाद, घुसपैठ और तमाम देशद्रोही गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, हमें बड़े सब्र के साथ युद्ध को तो टालना होगा लेकिन आंतरिक सुरक्षा के लिए वचनबद्ध होकर प्रत्येक नागरिक को सरकार के साथ और सेना के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, उनका हौसला। प्रत्येक नागरिक को सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, युद्ध को टालना होगा। कि हालांकि हालात आज बॉर्डर पर युद्ध के ही बन चुके हैं, कैसा लग रहा है आपको, क्या लगता है कि क्या वाकई युद्ध हो जाएगा? ये बात आपको हम बताना चाहते हैं पहले कि सबसे बड़ी जो कमजोरी है हमारे देश के खुफिया तंत्र को, सरकार उतना महत्व नहीं देती जितना देना चाहिए, और इस कार्य में जो भी है उसका सबसे बड़ा रोल यहाँ पर है खुफिया का। अभी भी सरकार जिसे सेना को शहीद का दर्जा नहीं दे रही है तो खुफिया तंत्र को भी उनको कोई दर्जा नहीं मिल रहा है, वो भी इसी तरह से। इसलिए अगर देश को सुरक्षित रखना है तो देश के खुफिया तंत्र को मजबूत करना ये सरकार की जिम्मेदारी है, नहीं तो इस तरह की घटना घटते रहेंगे तो कब तक? नहीं तो इस तरीके की घटनाएं हमेशा घटती रहेंगी, खुफिया तंत्र को मजबूत करना पड़ेगा। फिलहाल अभी स्थिति बॉर्डर पर नाजुक है, आज हम स्थिति बॉर्डर पर नाजुक है उस पर बातचीत कर रहे हैं। जी हाँ, बहुत संवेदनशील स्थिति है भारत और पाकिस्तान के बीच में। निश्चित तौर पर यह आतंकवादियों की कारगुजारी है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार को सोचना चाहिए और स्वयं इस बात के लिए आगे आकर के वहाँ के तमाम आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करना चाहिए। पाकिस्तान आज पूरी दुनिया में आतंकवाद का अड्डा बन चुका है और वहाँ की सरकारें बिल्कुल पूरी तरह से कहना चाहिए कि उनके हाथ में कुछ है ही नहीं कि वो आतंकवादियों के खिलाफ कुछ कर सकें। ऐसी परिस्थिति में इस बार चाहे आर पार की लड़ाई हो जाए, ये हमेशा का हर महीने दो महीने का दो आदमी, चार आदमी, आठ सैनिक हमारे शहीद हो रहे हैं, इसलिए इस बार सेना आर पार की लड़ाई करे। मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं, पाकिस्तान में इस समय पेट्रोल डीजल की वो स्थिति है कि वो अपने सेना का एक जगह से दूसरी जगह का मूवमेंट भी नहीं कर सकती है। निश्चित है पाकिस्तान एक भिखारी मुल्क हो चुका है, वह हमारी सेना से कतई लड़ने में सक्षम नहीं है। हमारी भारत सक्षम है उस और लग भी रहा है कि इस बार आतंकवादियों के साथ साथ पाकिस्तान को भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। साथ में
हमारे यहाँ जो जयचंद और अलगाववादी हैं उनसे भी देश निपटेगा। जयचंद अलगाववादियों से तो निपटना ही पड़ेगा, उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, नहीं तो आए दिन देश के आंतरिक हिस्से में इस तरीके की घटनाएं घटती ही रहेंगी। पूरे विश्व में आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश की रणनीति है, विदेश नीति है, पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है, पाकिस्तान को आतंकवाद का गढ़ घोषित कर दिया है। आज पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है और पाकिस्तान आर्थिक रूप से कमजोरी की ओर बढ़ रहा और आतंकवाद का जो पनाहगार था वो आज पूरे विश्व में जाना और पहचाने जाने लगा। उसी का परिणाम है कि आज पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा नहीं है और भारत के सब सहयोग कर रहा है। क्या लगता है आपको योगी जी की बात में? क्या देखिए, जो लोग बार बार नरेंद्र मोदी का नाम अलाप रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने किया तो इसके लिए आतंकवाद के लिए तो नरेंद्र मोदी ही जिम्मेदार है। नहीं, ये कार्रवाई आपने पहले क्यों नहीं कर दिया? 5 साल पहले क्यों नहीं किया? गले मिल रहे हैं आप, जाके माँ के पैर छू रहे हैं, पाकिस्तान में आनंद ले रहे हैं, घूमने जा रहे हैं आप। निश्चित रूप से ये एक गंभीर बहस है और ये बहस हमेशा लगातार जारी रहेगी। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे भारत जो है पूरा आतंकवाद से ग्रसित हो गया है और पाकिस्तान इस कार्रवाई से अलग थलग पड़ गया है, लेकिन ये कार्रवाई जो कि की गई है एक महीने पहले की जानी चाहिए थी, क्योंकि लगातार हमारे देश के शहीद हो रहे हैं जवान, तो ये कार्रवाई सरकार को पहले करनी चाहिए। कार्रवाई सरकार को पहले कर देनी चाहिए थी। निश्चित रूप से टाइमिंग को लेकर एक सवाल लगातार उठाया जा रहा है, टाइमिंग को लेकर एक सवाल उठाया जा रहा है। ये तो जो दूसरों पे आरोप लोग लगा रहे हैं इसको हम सही नहीं मानते हैं। समय से पहले कुछ नहीं होता है। अब जब ऐसा माहौल बना है, जब हमारे सैनिकों को मारा गया, तब उसमें एक्टिव हुए नरेंद्र मोदी जी। जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने बहुत पीछे कर दिया, बहुत आगे कर दिया, चलिए ठीक है, निश्चित रूप से इस आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं है आज, ना आरोप प्रत्यारोप का समय है। आज हम बात कर रहे हैं अपने सैनिकों के जज्बे की, अपने सैनिकों के जज्बे को हम सलाम करते हैं और निश्चित रूप से सलाम करते रहेंगे। हम इन तमाम मुद्दों पर आप लोगों से लगातार बातचीत करते रहेंगे, इन मुद्दों पर हम आपके साथ एक बार फिर मिलेंगे। वक्त हो गया है, अब समय इजाज़त नहीं देता। अपने मेजबान जावेद अंसारी को विदा दीजिए, नमस्कार। भारतीय सेना, 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 भारतीय सेना। सभी का कहना था भारतीय सेना ने देश का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, अब सरकार को भी उन्हें शहीद का दर्जा देकर वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों का सम्मान बढ़ाना चाहिए। शहीद सैनिकों के परिवार को बेहतर सुविधा देकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। खबरों को देखने के लिए लगातार आप बने रहिए रीवा दर्शन के साथ। नमस्कार।